हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू के पोहे। तो चलिए इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए देख लेते हैं। सबसे पहले सरसों, फिर पोहे, जीरा, नमक, तेल, फली के दाने, हल्दी पाउडर, आलू, धनिया पत्ती, प्याज और हरी मिर्च। तो सबसे पहले हम पोहे को रेडी कर लेते हैं। तो एक बाउल में हम पानी ऐड कर लेंगे और उसमें पोहे ऐड कर लेंगे और उसको अच्छी तरीके से वॉश करेंगे। जैसे ही हमारे पोहे अच्छे से वॉश हो जाए, हम पानी को ड्रेन कर लेंगे और उसको एक डिफरेंट बाउल में निकाल लेंगे। ड्रेन किए हुए पोहे को हम 2 मिनट्स के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। हम गैस ऑन कर लेते हैं और उस पर एक पैन रख देते हैं। जैसे ही हमारा पैन गर्म हो जाए, हम उसमें 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लेंगे। और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाए, हम उसमें ग्राउंड नट्स ऐड कर लेंगे और उसको गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे। हमारे फली दाने रोस्ट हो गए हैं, हम इसको डिफरेंट बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम सेम पैन में सरसों के दाने ऐड कर लेते हैं और हम जीरा ऐड कर लेंगे। जैसे ही ये क्रैकल्स हम करने लगे, हम उसके बाद ग्रीन चिलीज को ऐड कर लेंगे और उसके बाद ऑनियंस को ऐड कर लेंगे। और इसको 3 to 4 मिनट्स कुक होने देंगे। और हम लोग फ्लेम को मीडियम में ही रखेंगे। और जैसे ही ये फ्राई हो जाए, हम आलू को ऐड कर लेंगे। यहाँ हमारे ऑनियंस फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम पोटैटोस को ऐड कर लेते हैं। और उसको 3 to 4 मिनट्स के लिए कुक करते हैं। अब हमारे पोटैटोस हो गए हैं फ्राई। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड कर लेते हैं और इसके बाद हम टर्मरिक पाउडर भी ऐड कर लेंगे। और इसको 3 to 4 मिनट्स वापस से कुक करेंगे। अब हमारे आलू कुक हो चुके हैं। अब हम लोग भीगे हुए पोहे इस पे ऐड कर लेते हैं। और इसको वापस से 3 to 4 मिनट्स के लिए कुक होने देते हैं लो फ्लेम पे। अब इसमें हम धनिया पत्ती ऐड कर लेते हैं और 1 मिनट के लिए इसको कुक होने देते हैं।
हमारे आलू के पोहे रेडी हैं। हम इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसको धनिया पत्ती और रोस्टेड ग्राउंडनट से गार्निश कर लेते हैं। हमारा टेस्टी एंड कलरफुल पोहा रेडी है।